नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 4 जून को शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की जांच को लेकर मांग तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट को एक बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने इस मामले में जेपीसी गठित कर जांच की मांग की। चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कही थी। अमित शाह ने 4 जून से पहले शेयर खरीदने की सलाह दी थी। 4 जून को बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को करीब 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पूर्व IAS अधिकारी EAS शर्मा ने भी शेयर बाजार में आई गिरावट की ED से जाँच करने की मांग की है। हालांकि केंद्र में NDA सरकार बनने की संभावना से बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 2 दिन की तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 21 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। मतलब 4 जून को आई भारी गिरावट से जो नुकसान हुआ था उसमें से अब तक 21 लाख करोड़ रुपए की भरपाई हो चुकी है। शेयर बाजार को लेकर देश में घोटाले की बात चल रही है। वहीं दूसरी ओर विदेशी दिग्गज निवेशक भारतीय शेयर बाजार को लेकर बुलिश बने हुए हैं। अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने भरोसा जताया है कि भारतीय बाजारों में बुल रन बना रहेगा और पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले सेंसेक्स 1 लाख रुपए का आंकड़ा छू लेगा। मार्क मोबियस ने कहा कि अगले 10 सालों तक BSE सेंसेक्स 14 से 15% की दर से आगे बढ़ता रहेगा। फिच रेटिंग्स का कहना है कि गठबंधन की राजनीति और कमजोर जनादेश महत्वाकांक्षी सुधारों को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। फिच ने कहा कि भूमि और श्रम कानूनों में बड़े सुधार नई सरकार के एजेंडे में बने रहेंगे, लेकिन NDA का कमजोर जनादेश इस कानूनों को पारित करना और जटिल कर देगा। ये भारत की मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाओं के संभावित लाभ को कम कर सकता है। फिच रेटिंग्स ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.1% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष में भारत का घरेलू हवाई यातायात 6 से 8% बढ़कर 16.4 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। CAPA इंडिया के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात 11% बढ़कर 7.8 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। घरेलू एयरलाइन कंपनियों को इस वित्त वर्ष में 4 से 6 करोड़ डॉलर की सीमा में घाटा होने का अनुमान है। घाटे का एक कारण विमानों को खड़ा करने की वजह से क्षमता की कमी भी है। मौजूदा समय में विभिन्न कारणों से लगभग 130 विमान खड़े हुए हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज के डायरेक्ट भुगतान की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। 14 अक्टूबर 2024 से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए डीमैट अकाउंट में सीधे सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। वर्तमान व्यवस्था में क्लियरिंग कॉरपोरेशन सिक्योरिटीज के भुगतान को ब्रोकर के खाते में जमा करता है। इसके बाद ब्रोकर संबंधित ग्राहक के डीमैट अकाउंट में इसे जमा किया जाता है। ये कदम परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहकों की सिक्योरिटीज के साथ जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है। आलू, प्याज, टमाटर के दाम बढ़ने से मई में शाकाहारी थाली फिर महंगी हो गई है। वहीं चिकन के दाम घटने से मांसाहारी थाली सस्ती हुई है। शाकाहारी थाली में रोटी, चावल, दाल, दही, सलाद के साथ प्याज, आलू, टमाटर को शामिल किया जाता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसील की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मई में शाकाहारी थाली की कीमत 25.50 रुपये थी, जो इस साल मई में बढ़कर 27.80 रुपये हो गई। सालाना आधार पर शाकाहारी थाली 9% महंगी हुई है। थाली महंगी होने की वजह आलू, टमाटर, प्याज, चावल व दालों के दाम बढ़ना है। चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम आगामी 1 जुलाई से चेक के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। MCD ने कहा है कि अगले महीने से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान डिजिटल तरीके से UPI वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए करना होगा। MCD ने कहा है कि चेक बाउंस होने से होने वाले कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। सरकार देशभर में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 300 हवाई पट्टियों का अध्ययन कर रही है, ताकि उन्हें ब्राउन फील्ड हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा सके। भारत में कुल 453 हवाई पट्टियां हैं, जिसमें से केवल 157 को ही एयरपोर्ट के तौर पर संचालित किया जा रहा है। भारत एक बड़ा देश है और देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ना महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार Tier 2 और Tier 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहती है। ITC के शेयरधारकों ने होटल बिजनेस को अलग करने की मंजूरी दे दी है। 99% से ज्यादा शेयरधारकों ने बिजनेस अलग करने के पक्ष में मतदान किया। कारोबार अलग करने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के शेयर में 1.2% का उछाल आया। ITC अपने होटल बिजनेस को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और निवेशकों को इससे फायदा होगा।
इस साल भीषण गर्मी की वजह से देशभर में एसी की मांग बढ़ गई है। बढ़ी हुई मांग से इस साल एसी की बिक्री 1.4 करोड़ इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक एसी उद्योग की बिक्री मई में रिकॉर्ड स्तर पर रही। गर्मी की वजह से एसी की बिक्री में 30 से 40% तक की बढ़ने की संभावना है। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने अब शहरी क्षेत्रों में घरेलू एसी को अनिवार्य जरूरत बना दिया है। तो ये थी आज के लिए मनी टाइम में आज की खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।